अगर वही मैं यहाँ कट कर देती तो ये मुझे नीचे जाना पड़ता, मैं ऊपर नहीं जा सकती थी फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये आईब्रो बिल्कुल भी खराब है, एकदम सीधा किया हुआ है। ये आईब्रो कहीं और मैं मांग रही थी, बिल्कुल खराब है। तो चलिए मैं इसे सुधारने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप इसे सुधार सकते हो, अच्छे से सीख सकते हैं कैसे सीधा है। तो ये सीधा आईब्रो नहीं है, मेरे क्लाइंट का कहना है कि ये आईब्रो ऐसा शेप में था, आज शेप में था, बट कहीं बनवाते बनवाते ये सीधा हो चुका है। तो ऐसे आईब्रो को कैसे ठीक करेंगे? आप दोनों ही आईब्रो को देख सकते हैं, दोनों ही ऐसे सीधा किया हुआ है। तो ये जो है वो देख सकते हैं कि तो इनको सुधारना है आईब्रो को, तो करना कैसा है? ये इस तरीके से धागा, जैसा कि मैं हमेशा ले जाती हूँ, ऐसे ले जाना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं बारीक सा ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हेयर कुछ छोड़ी हूँ। तो इससे क्या होगा ना, एक बार में तो नहीं लेकिन दो चार बार 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 इसी तरह से किया जाएगा तो इनका आईब्रो जो आज शेप में आ जाएगा। दूसरा चीज़ कि ये जो है यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट लाया हुआ है, इससे क्या होता है, मैं एक और वीडियो में अपने लास्ट वाले वीडियो में बताई थी, इससे क्या होगा कि अब यहाँ तक आ गया उसका ये कीजिएगा ना तो ये सही नहीं है। आपका जो ये आँच आना चाहिए वो बिल्कुल आईबॉल के लास्ट में होना चाहिए, यहाँ तक आ गया। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ लाने के लिए इसको थोड़ा कट कर रही हूँ ताकि ये इधर आ जाए। अब देख सकते हैं ये आज कहाँ है, यहाँ मैं यहाँ ला रही हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ कैसे चेंज होगा। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आज जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था अब यहाँ दिखाई देगा। अब अगर नहीं समझ में आया तो बैक कीजिए फिर से अब वीडियो को और चेक कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ जो छोड़ी हूँ ये नेक्स्ट टाइम ग्रोथ आएगा तो अब आज का शेप यहाँ आएगा। तो इस तरह से मैं क्या की, थोड़ा सा सुधार इस बार की, नेक्स्ट बार और सुधर जाएगा। अब क्या है नीचे, तो नीचे थिक आईब्रो में ही मैं थोड़ा सा आज अच्छे से देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रंट वाला तो शेप वैसे ही बनाना है जैसे हमेशा बनता है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा उठा रही हूँ। दूसरा चीज़ कि मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ जो थिकनेस रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, तो उस चीज़ को देखिए मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ। उसमें क्या करना है कि चूँकि मैं यहाँ हेयर छोड़ी हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से ऊपर जा रही हूँ, तो ये हो गया आपका आँच अच्छा सा बन जाएगा, उठा हुआ आईब्रो। अगर वही मैं यहाँ कट कर देती तो ये मुझे नीचे जाना पड़ता, मैं ऊपर नहीं जा सकती थी, फिर वो वहाँ पर पतला हो जाता। अब इसमें क्या है कि यहाँ मैं छोड़ी हूँ तो यहाँ मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो आज से अच्छा दिखाई देगा। तो यही सब छोटे छोटे ट्रिक्स है जिसको आपको देखना है, समझना है। तो आप लोग प्लीज़ स्किप कर करके नहीं देखिए, यदि आप स्किप करके देखते हैं तो पूरे अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। और जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स बीच बीच में देती हूँ उसको तो बिल्कुल ही नहीं आप समझ पाएंगे, तो इसलिए पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखा कीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये मैं अब एक्स्ट्रा हेयर को यहाँ तक निकाली। अब एक क्वेश्चन है आप लोग का, कुछ लोगों का होता है कि छोटे छोटे हेयर नहीं निकल, तो ये छोटे हेयर हैं इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे निकालना है। अगर बहुत ही बारीक है तो आप फिर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर लगा लीजिए, उसके बाद आप इस तरीके से हेयर जहाँ है वहाँ तक लेके जाइए और इस बी में हेयर को लीजिए और फिर आप निकाल दीजिए, सारे छोटे छोटे हेयर निकल जाएंगे। यहाँ पे हेयर बहुत बार नहीं निकलते भीगने से, तो मैं अभी छोड़ देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो लास्ट में आप क्या कीजिए, सिर्फ स्ट्रेचिंग ऊपर से और यहाँ पे धागे को टाइट करके जो भी एक्स्ट्रा हेयर है वापस तरह से रिमूव कर लीजिए। हो गया, बन गया ये राइट आईब्रो, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा आज मैं देने की कोशिश की हूँ। आप लोग को मैं दिखाऊँ दोनों आईब्रो, दोनों आईब्रो को देखिए कि ये मैं कोशिश की हूँ, कहीं से कोई स्ट्रेचिंग नहीं है आज से देने का, और हुआ भी है, बहुत हद तक हुआ है। और ये क्या है देखिए, अभी भी ऐसे कैसे डाउन दिख रहा है। तो फिर से इसमें भी मैं समझा दूँ कि मैं क्या करूँगी, ये दिख रहा है ऐसे डाउन, पर मुझे क्या करना है, ये ऐसे धागा लाना है ऐसे, तो ये हल्का उठ गया, और फिर जब मैं नीचे लाऊंगी तो ये भी ऐसे लेके आऊँगी तो ये भी उठ गया, तो इस तरह से आँच बन जाए। यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से धागा रखी, इसमें मैं फिर से करके आपको बता रही हूँ, जस्ट में जो समझाई वही काम मैं करके दिखा रही हूँ कि धागा कैसे चलाना। देखिए ये मैं आँच उठाई ऊपर तक थोड़ा, इतना होने के बाद ये देखिए अभी मैं इसे छोड़ दी हूँ, देखती हूँ लास्ट में अगर लगेगा तो थोड़ा बहुत मैं इसे सेव कर दूँगी। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि स्ट्रेचिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आईब्रो के शेप में, तो स्ट्रेचिंग आप अच्छे से कराएंगे और इस तरह से गाइडलाइन बनाना है जैसे मैं हमेशा बताती हूँ,
यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, तो चैनल को जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। इस पर बहुत सारा वीडियोस हैं, उसे आप देखिए। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कीजिए। और यदि आप डायरेक्टली मुझसे जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पर DM कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये गाइडलाइन बन गया, ठीक है। एक दो हेयर है, इसे लास्ट में भी निकाल सकते हैं जैसे राइट एब्रो में बताई। और इसके बाद इसी गाइडलाइन से आपको आगे बढ़ना है ऐसे। अभी मैं आपको क्या बताई थी, ऊपर आईब्रो सेव करने में ये मैं छोड़ी हूँ, ठीक है, ये मैं छोड़ी हूँ। तो आपको यहाँ ऊपर जा सकते हैं क्योंकि ऊपर से थिकनेस है हमारा। तो इस तरह से मैं ली और अब यहीं से मैं टर्न कर दी क्योंकि इनका स्ट्रेट किया हुआ है। और अब अभी करना है कर्व, मीन्स आर्च से देना है। तो मैं यहाँ से घुमा दी ताकि इनका आर्च यहाँ से दिखाई दे। सकते हैं कि सेप हो गया है, एक्स्ट्रा हेयर है, एक्स्ट्रा हेयर को आप ऐसे निकाल सकते हैं। और हाँ, एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैम जल्दी आईब्रो कैसे बनेगा, तो जल्दी ऐसे ही बनेगा। पहले आप सेप कर लीजिए, सेप करने में जो समय लगा और जो एक्स्ट्रा हेयर है उसे बहुत ही फास्ट निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें सेप नहीं देना होता है। तो आपको सिर्फ फलका चलाना हो तो यहाँ जो मैं बताई थी कि आज नीचे जो हो गया है उसे ऊपर लेके जाना है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे सेप करना है तो आपका आज बहुत ही अच्छा सा आएगा। नीचे जो स्ट्रेट हो गया है ना वो सही लगेगा। और ये मैं बाल छोड़ी थी कि मैं देखूँगी ज़रूरत होगा तो निकालूँगी, तो यहाँ ज़रूरत नहीं लग रहा निकालने का, ये सेप हो गया है। तो मैं कट कर ले रही हूँ, आप चाहे तो पहले भी कट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ऊपर का भी सेप हो गया, नीचे को। आज का आईब्रो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के आईब्रो से कुछ सीखने को मिला या नहीं, या क्या सीखे, सब कुछ। तो ये देखिए, बीच में क्लीन मैं कर ली और ये हो गया कंप्लीट। तो ये है आज के आईब्रो का फाइनल लुक। आप मुझे ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर।